मामा वो इफी खाला लोग आए लाउंज में बैठे। अच्छा बेटा तू जा। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं खुद उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। हाँ लेकिन देखो ज्यादा जज्बाती मत होना। मैंने भी शाम को बड़ी सख्त बातें कर दी थी उनसे। वो जो कर्ज रखते थे जहां पे वो हिसाब आज चुका दिया। कैसा कर्ज? अरे अम्मा तुम्हारी शहजादी बेटी मुंतहा ने गुलनाज बेगम को ऐसी ऐसी जगह चोटें पहुंचाई हैं कि वो आज बैठ के अपने जख्मों को चाटेगी। अरे कैसी चोट, कैसा जख्म है, खुल के बता ताकि मेरे कलेजे में भी ठंड पड़े। मैंने शादी कर ली। शादी कर ली किससे? अरे कहीं अपनी माँ की तरह तुमने भी तो कोई बेवकूफी नहीं कर ली? गुलनाज बेगम का होने वाला दामाद रुहेल सज्जाद। और माँ आपको पता है उसकी शादी आनिया से होने वाली थी 4 दिन में। हाय मैं मर गई मुंतहा, उससे तुम्हारा टांका कैसे फिट हो गया? गुलनाज बेगम ने कैसे बर्दाश्त कर लिया है? अरे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, अब गेम उनके हाथों में थोड़ी रह गई है। मुझे लगता है वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात भी पूरी नहीं करती, आज इंतकाम पूरा लिया है मेरी बेटी ने। वाह वाह। क्या हुआ पता है आपको? आपका कितना इंतजार कर रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या हो गया है, क्या हुआ है? धक्के धक्के घर से निकाल दिया मुझे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा देर खफा नहीं रह सकते। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस।